आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का गणित। और कक्षा 9 के गणित में सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर है इसका। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में क्या है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है एक के में 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या लिखिए। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक, समस्त धन पूर्णांक क्या मतलब होता है कि सम संख्या लिखना है एक प्रकार से इसका, ठीक है। तो इसमें 20 और 40 के बीच लिखना है, किसके 20 और 40 के बीच लिखना है। तो 20 के बाद क्या आता है इसका, 20 लिखो, 20 और 40 के बीच, के बीच समस्त धन पूर्णांक क्या होगा, 20 के बाद क्या आता है 22, 22 24 26 28 30 32 34 36 38। 20 को छोड़कर और 40 को छोड़कर के बीच में जितने आते हैं धन पूर्णांक, यही होगा इसका, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। कॉपी कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताइए। इसमें 1 से लेकर 10 तक अभाज्य पूर्णांक निकालना है, तो ठीक है 1 से 10 तक हम लिखते हैं, इसमें कितना होगा अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती है 1 से 10 तक, तो 1 तो होगा नहीं, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 कितने होते हैं, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक कितने होंगे, 1 तो 2 होगा 3 5 7 और उसके बाद क्या होता है 11 होता है, ठीक है। तो हमको 1 से 10 के बीच में पूछा है, 1 से 10 के बीच में कौन सा होगा तुम्हारा, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। तो क्रमान्वयी क्या होता है, इसमें क्रमान्वयी मतलब ये होता है, इसमें जो तुम्हारा संख्या है अंक है इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है जैसे कि 2a+1 में क्या कर दो, +1 जोड़ दो, ठीक है। तो इसमें +1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये 2a+1+1, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2a+1 कितना हो जाएगा 2। यही तुम्हारा क्रमान्वयी, अगला जो संख्या होता है क्रमान्वयी, ये संख्या तुम्हारा ये होगा, ठीक है, यही आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2/3। अगर योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछ रहा है तो योगात्मक क्या हो जाएगा, योग का क्या हो जाएगा, जो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका रूल है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर गुणा है तो क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसका योगात्मक क्या है, ये इसका रूल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, क्या है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया हूं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम इसका भाग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे भाग है तो इसका बटा क्या लिखा जाता है, -5, ये क्या लिखा जाता है, -5/1 लिखा जाता है, तो इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/5, ठीक है, यहाँ इसका हो जाएगा 1/5, यहाँ माइनस लग जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसका भाग हो जाएगा, समझ में। चलिए ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
हाँ ये क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम क्या निकालना है, क्या है इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। P प्लस क्यू पी माइनस होता है, पी माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम जस्ट अभी मैंने बताया हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे क्या लगा देना, सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ माइनस लगा देना, तो क्या हो जाएगा ये पी प्लस क्यू, ठीक है इसका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा इसके आगे भी माइनस लगा दो, पी माइनस क्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें अगर योगात्मक पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस ये इतना करना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है, तो x के मान के लिए क्या है, तो x बराबर क्या है हमको निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 5 × 3 इसको क्वेश्चन हटा देते हैं, 3 × 2 = 5 × 3 × x, ठीक है। अगर बराबर का चिन्ह है और संख्या यह संख्या तुम्हारा बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 × 3 कैंसिल हो गया, ये तो ये बचा क्या है, x बराबर बचा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए इसको, हाँ क्वेश्चन है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, बताइए योज्य प्रतिलोम है, कौन सी संख्या है जो स्वयं की क्या है, योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। तो इसमें है आंसर इसका है 0, 0 इसका क्या है, खुद का इसका क्या है, प्रतिलोम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा इसका आंसर, ठीक है, इसको हम कहते हैं शून्य। देखिए क्वेश्चन है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a माइनस वन और a प्लस वन सम है अथवा विषम, क्या है, सम अथवा विषम पूछ रहा है। तो क्या है, कह रहा है कि a जो है क्या है, सम है, समधन पूर्णांक है, मतलब कि सम संख्या है कोई, मानो कोई एक सम संख्या, मान लो a बराबर, तो हम a बराबर क्या मान लेते हैं, a बराबर हम मान लेते हैं 2, मान लो क्या है, 2 सम संख्या है, इसलिए मैं क्या मान लेता हूं, a बराबर मान लो 2, तो अब इस पर हम क्या करते हैं, यही संख्या हम पुट कर देते हैं, ठीक है, हम इसी संख्या पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो a बराबर क्या रखना है 2, तो 2 माइनस a, दूसरे क्वेश्चन में क्या है 2 प्लस a, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1, और ये 2 1 3, और 3 में से 1 से गुणा किया 3 का नाम 3, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है हमें, 3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 तुम्हारा क्या है, सम संख्या है विषम है, तो ये क्या है, कौन संख्या है, विषम है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, विषम आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये विषम, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए, तो संख्या रेखा पर क्या लिखना है, 5 और 7 का योग लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 7 का योग कितना होता है, 5 + 7 बराबर कितना होता है, 12, ये कितना है 12, तो हम संख्या रेखा पर इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या रेखा खींच देते हैं, ये मान लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं 0 है, ठीक है, और 0 के दाहिने साइड क्या होता है, प्लस होता है, और बाएं साइड क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे खींच दो, ठीक है ऐसे खींच दो, अब यहाँ पर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये सब इधर क्या है प्लस, सब प्लस लिख दो। इधर क्या हो, इधर सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर कहां पर काउंटिंग करते हैं, जीरो से, कहां पर पांच प्लस सात है ना, तो पांच प्लस सात यहां से स्टार्ट करो, एक प्रकार से पांच यहां से ले जाओ, ठीक है। कैसे करना है इसको, पांच और सात यहां से स्टार्ट करो, पहले पांच पे ले जाओ, ठीक है, कहां पर पांच पर, ठीक है। अब सात पर ले जाना है, कितना हो जाएगा देखो, एक दो तीन चार पांच, अब कितना ले जाना है सात तक, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात यहां पर आ रहा है तो यहां पर ले जाकर मिला देना है, ठीक है। यहां पर ले जाकर मिला, ठीक। अब यहां पर हमको दिखाना है कि सात प्लस पांच बराबर कितना होता है बारह, यहां से इसे ले जाकर संख्या रेखा प्रदर्शित हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा ये बारह, संख्या रेखा प्रदर्शित हो गया, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से इसको। हाँ देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है, ठीक है। इसमें सत्य और असत्य क्या करना है, इसमें सत्य असत्य छांटना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, दिया है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब दो अभाज्य संख्या क्या है, दो अभाज्य संख्या है उसका जो गुणनफल होता है क्या अभाज्य संख्या आता है, यही हमको चेक करना है। तो हम लेकर देखिए चेक करते हैं इस बार। जैसे कि हम मानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे हम अभाज्य संख्या सबसे छोटी सी मान लेते हैं, जैसे दो और तीन क्या है, दो तीन अभाज्य संख्या है, इसका गुणा करते हैं क्या होता है, देखिए दो तीन से गुणा करेंगे क्या होगा, तीन दूनी छह। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या अभाज्य होता है, तो बताइए क्या इसका गुणनफल क्या आ रहा है, अभाज्य आ रहा है, नहीं ना, क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है, तो इसलिए क्या है ये असत्य है, क्या है असत्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या दिया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सेम है, थोड़ा सा इसमें योग कह दिया है, तो अब इसमें क्या है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग कह रहा है सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि दो अभाज्य ले लेते हैं, क्या होता है दो प्लस क्या तीन क्या आ रहे हैं। अब इसको दोनों पूर्णांकों को क्या करना है, दो अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो क्या होता है योग अभाज्य होता है, तीन दो कितना हो गया पांच, चलो ये तो तुम्हारा अभाज्य आ गया। और देख चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हम इसमें क्या कर देते हैं, पांच ले लेते हैं, पांच और सात, ये कितना हो जाएगा सात पांच बारह, क्या ये अभाज्य आ रहा है, नहीं ना। मान लो ये तो तुम्हारा सही है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं सही है, गलत आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये अभाज्य होता है नहीं, ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा असत्य है, क्या है ये भी तुम्हारा असत्य है, ये भी असत्य है। अब देखिए इसमें सी वाला क्या है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए प्लस बी सदैव क्या ऋण अभाज्य होगा। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी क्या दिया है तुम्हारा ऋण पूर्णांक है, क्या कोई दो ऋण पूर्णांक है तो ए प्लस बी क्या सदैव ऋण पूर्णांक होगा, इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर तुम्हारा इधर ऋण पूर्णांक है तो हम इसको लिख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है, मान लो ए बराबर मान लो दो मान लो ऋण दो, ठीक है, और बी बराबर मान लो ऋण तीन, ठीक है। अब इसका दोनों का योग करोगे, ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, तो माइनस दो, यहाँ प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस तीन, इसको योग करोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस,
यहाँ पर तीन माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ तो जाता है लेकिन क्या माइनस इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो तीन दो कितना हो जाएगा पांच, माइनस पांच इसमें जो आएगा क्या हो जाएगा, क्या ऋण गुणांक आएगा? तो ठीक है हाँ बिल्कुल आएगा ऋण गुणांक, आ नहीं रहा देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री संख्या 24 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। देखिए तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है हमको, तो ए एक सम धन पूर्णांक है, तो एक धन सम धन पूर्णांक मतलब कि मान लो तुम ए बराबर क्या रख सकते हो, एक दो तीन चार पांच कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, सम धन पूर्णांक रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है एक दो रख दो, तो पहले सबसे पहले हम ए बराबर क्या कर देते हैं, ए बराबर ए को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 से क्या होता है पूर्णतः विभाजित हो जाती है नहीं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ पर एक रखते हैं, एक ए प्लस एक यहाँ पर कर दो, एक प्लस दो ए प्लस तीन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक देखो एक कितना हो जाएगा दो, दो एक नौ दो इंटू तू दो एक तीन ये हो जाएगा तीन, तीन एक चार इसे गुणा किए कितना हो जाएगा ये तीन दूनी छः, छः चौ चौबीस कितना आ गया चौबीस। अब चौबीस से क्या करना पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चौबीस से चौबीस नहीं कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा चौबीस से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब अगर तुमको चेक करना तो एक और चेक कर सकते हो, दूसरा दो दो रख के चेक कर लो, तो ए बराबर क्या कर दो रख के चेक कर लो, यहां पर क्या हो जाएगा देख लो, दो दो प्लस वन दो प्लस दो दो प्लस तीन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, तो इसको क्या करते हैं हम इसे दो इंटू दो दो एक तीन, ठीक है। तो उसके बाद दो दो कितना हो जाएगा चार, और दो और तीन कितना हो जाएगा पांच, तीन दूना छह, छह और चार कितना हो जाएगा तीन छह चार और पांच, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, पांच चौके बीस, पांच चौके बीस, बीस छक्का एक सौ बीस कितना, एक सौ बीस, एक सौ बीस से चौबीस भाग दे दो कितना आ जाएगा कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट गया देख लो पांच भाग गया, ठीक है। पूर्णतः विभाजित है इसलिए क्या है ये पूर्णतः विभाजित होगी, हाँ पूर्णतः विभाजित होगी, इस पे लिख देना क्या, हाँ पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। उतार लो चेक अभी कर लो। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सम होगी, कौन सी संख्या सम होगी, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो इनमें से ए बराबर तुमको सम दिया समधन पूर्णांक है, बी बराबर तुमको क्या दिया है विषम है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है संख्याओं में कौन सी संख्या क्या होगी सम होगी, ठीक है। तुम्हारा ए स्क्वायर सम होगा कि बी स्क्वायर कौन सा होगा, इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या कह रहा है समधन पूर्णांक है, तो हम ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर सम है तो दो मान लेता हूँ, ठीक है। और बी जो तुम्हारा दिया है बी एक विषम है तो हम इसको बी विषम है तो क्या मान लेता हूँ तीन मान लेता हूँ। अब इस पर हम सारे पर रख चेक कर लेता हूँ तो देखिए क्या आता है, सम आता है कि विषम, ठीक है। ये पहला वाला इसमें क्वेश्चन है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर है तो ए बराबर क्या दो माना हो तो यहाँ पर दो का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा दो दूना चार हो जाएगा। ये चार तुम्हारा क्या आ रहा है सम, सम आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब सम आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सम संख्या होगी इसका, तो ये इसका तुम्हारा ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका ए स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। अब विषम वाले को पूछ रहा है, विषम वाले को मत लिखना, ठीक है, सिर्फ सम वाले को लिखना है। अब इसमें तुम्हारा बी स्क्वायर है तो अब बी स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तीन है बी बराबर, तो यहाँ पर तीन रख के देखो तीन का स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया तीन का स्क्वायर कितना हो जाए तीन त्रिका नौ, तो ये तुम्हारा तीन त्रिका नौ जो आया है नौ तुम्हारा सम है विषम, ये विषम आया है, जब ये विषम आए इसको क्या करना है इसको मत लिखना, ठीक है।
तो इसको बी वाले मत लिखना। और यहाँ पर क्या दिया, ए प्लस बी दिया है, क्या दिया है ए प्लस बी। तो हम ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं, ए बराबर क्या माने हैं दो और बी बराबर क्या माने हैं तीन। तो ए ए प्लस बी बराबर कितना है, दो प्लस तीन, क्या तीन दो पाँच, पाँच बताओ ये तुम्हारा सम आया विषम, तुम्हारा ये विषम आया है, विषम आया है तो इसको हमको विषम को नहीं लिखना है, ठीक है। हमको किसको लिखना है, हमको सम को लिखना है, ठीक है। तो सम वाले को लिखना है, तो सम वाले ये भी गलत ये भी। अब इसको देखते हैं, ए बराबर क्या है गुणा है, ए बराबर है दो, बी बराबर है तीन, तो तीन दुना छः। अब बताइए सम आया विषम, ये तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा सम आया, तो इसको हमको क्या करना है, ये वाला संख्या लिखना है, तो ये लिख दो इसका ए गुणते बी, ये भी तुम्हारा क्या है सम है। अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं, ए ए बराबर क्या माने हैं हम इसको, ए बराबर दो, यहाँ पर दो लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दो दो एक तीन हो जाएगा इसमें, तीन तीन दुना छः, ये भी तुम्हारा क्या आ गया सम आ गया, ये भी सम आ गया, तो ये भी सम तुम्हारा आ गया। तो ये वाला भी संख्या लिख लो, ये वाला संख्या लिख लो ए ए प्लस वन, ठीक है। इसको भी लिखो और देखिए अब क्या बचता है इसमें, बी वाला, बी बी कितना है तीन, तीन तीन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा ये तीन एक चार, चार चार तिहाई बारह, ये भी क्या आ गया तुम्हारा सम आ गया, ये भी सम आ गया। तो ये वाला भी संख्या लिख लो सम, बी बी प्लस वन, ये जो तुम्हारा आया यही तुम्हारा आंसर होगा, सम वाला तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। हाँ देखिए, चौदह नंबर क्वेश्चन है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, ठीक है। इनमें क्या देखना है, ये फार्मूला से रिलेटेड है, अगर फार्मूला अगर तुम लोग कुछ पता है, रूल है कुछ, अगर उसको पता रहेगा तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये रूल मैं जितना लिखा हूँ इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें जैसे दिया है तीन गुणते आठ प्लस सात बराबर तीन गुणते आठ प्लस तीन गुणते सात, ये किस नियम के अंतर्गत आता है, किस नियम के अंतर्गत आता है बताइए। ये तुम्हारा गुणा का वितरण नियम या बट्टन नियम से क्या होता है, बट्टन नियम से अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किसका नियम सा है, ये गुणा का वितरण नियम या बट्टन नियम कहते हैं, ठीक है। इसको तो ये इसको लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तुम्हारा है तीन प्लस पाँच प्लस नौ बराबर तीन प्लस पाँच प्लस नौ, ये बताइए कि ये किस के अंतर्गत आता है, ये किस रूल से। ये अगर इस टाइप में आता है क्वेश्चन तो समझ जाना कि योग का सहचर नियम है। अगर a प्लस, देखो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, अगर इस टाइप में है तो समझ जाना किसका नियम है, योग का सहचर नियम। इसको लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तीन गुणते दो प्लस दो गुणते तीन, अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन दिया है तो मैंने बताया हूँ, यह देखो इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो ये गुणा का क्या है, क्रम विनिमेय नियम है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस टाइप में तीन गुणते पाँच बराबर ए, ए गुणते पाँच बराबर तुमको ए बराबर तुमको दिया है, क्या है निरसन नियम या क्रम होता है, क्या कहते हैं इसको, इसको क्रम विनिमेय नियम, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जल्दी से इसको फोटो कॉपी कर लो जल्दी। हाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है पंद्रह नंबर, संख्या रेखा पर माइनस पाँच माइनस दो जीरो एक दो पाँच को दर्शाइए, ठीक है। तो मैंने बताया था जैसे कि इसके पहले एक संख्या रेखा खींचो, ठीक है। तो इसके यहाँ पर मान लो इसको पॉइंट जहाँ पर क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। इधर प्लस तुम्हारा दाहिने साइड क्या होता है, दाहिने तरफ क्या होता है, प्लस होता है, और बाएँ तरफ क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। खींच दो ऐसे, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन
माइनस चार माइनस पाँच, बस प्रदर्शित कर दो। तो यहाँ से कहाँ तक क्या, बस यहाँ से यहाँ तक करना था, बस बना दिए, हो गया, यही आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है,